हैदराबाद में डॉक्टर महिला के साथ रेप और फिर हुई हत्या के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। हालांकि चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस बार गुनहगार सिर्फ वो नहीं, इस बार गुनहगार वो भी है जो हाथों में कैंडल लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों एक खबर मिली थी, एक रिपोर्ट आई कि पॉर्न साइट में, इंडियन पॉर्न साइट में रेप वीडियो के लिए कई बार सर्च किए गए, मतलब लाखों लोगों ने रेप वीडियो को देखने के लिए उसका सर्च इंजन में नाम सर्च किया है। और इसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि इसका मतलब भारत में लाखों लोग, हो सकता है कि वो कैंडल मार्च में भी गए हो, लेकिन उनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहे होंगे। जी हाँ, फिलहाल आपको राजस्थान की बात बताते हैं। राजस्थान में टोंक में एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी, उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी गिरफ्तार हो गया। उसके बाद आज एक खबर आई कि बीकानेर में एक बाप ने अपनी 13 साल की मासूम बच्ची के साथ नशे की हालत में रेप किया था। मां ने रिपोर्ट लिखवाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल वही है कि क्या है इसके पीछे की वजह। क्या बीते दिनों कांग्रेस के बीडी कल्ला ने जो कहा था कि इंटरनेट ही है इसकी सबसे बड़ी वजह, अश्लीलता की सबसे बड़ी वजह इस वक्त इंटरनेट है, क्या वो सही है? फिलहाल इस पॉर्न साइट की खबर के बाद तो यही माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुष्य और आप देख रहे हैं News 24 का राजस्थान डिजिटल प्लेटफॉर्म। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश में सस्ते स्मार्टफोन और मामूली खर्च पर मिल रहे हाई स्पीड इंटरनेट डेटा के कारण दुष्कर्म की ऐसी वारदातें बढ़ी है। राजस्थान की बात करें तो साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि यहां 2014 में इंटरनेट यूज 36 लाख GB प्रति माह था, जो सस्ते इंटरनेट के कारण 2019 में बढ़कर 8.20 करोड़ GB तक पहुंच गया है। हालात ये है कि स्मार्टफोन यूजर हर दिन इंटरनेट पर 1 से 2 GB तक खर्च कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 3 सालों में 85% बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। देश में दुष्कर्म के मामले में यूपी और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। दुष्कर्म के आंकड़ों पर नजर डाले तो 2017 में दुष्कर्म की 2,797 घटनाएं हुई थी, जो अक्टूबर 2019 तक बढ़कर 5,194 पर पहुंच गई। आंकड़ों के अनुसार भारत पॉर्न साइट्स देखने में अमेरिका, इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर आता है। आपको बता दें, पूरी दुनिया के हिसाब से भारत में 1 GB डेटा सबसे सस्ते रेट पर मिलता है, और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लीलता जोरों से परोसी भी जा रही है। भले ही महिला सुरक्षा और ऐसी घटनाओं के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन इसमें पूरी भागीदारी समाज की मानसिकता की भी है, जो इस तरीके के सस्ते रेट पर मिल रहे इंटरनेट का इस्तेमाल वो ऐसी घिनौनी चीजों पर करते हैं। और वाकई अगर ऐसा हो रहा है तो ये शर्म की बात है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं।